कंडाघाट के जदारी गांव में दो दिनों तक चलने वाला श्री बिजेश्वर देव मेला संपन्न हो गया है। मेले के समापन अवसर पर शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेले के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। समापन मौके पर सभी प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कंडाघाट के जदारी गांव में आयोजित दो दिवसीय मेला संपन्न हो गया है। मेले के समापन मौके पर शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सबसे पहले मुख्य अतिथि ने फाइनल मैच खेल रहे खिलाड़ियों को मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने मेले में आयोजित प्रतियोगिताओं का आनंद लिया। मेले में आयोजित प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मेले के अंतिम दिन क्षेत्र के लोगों ने मेले में आकर जहां एक ओर खूब खरीददारी की, वहीं दूसरी ओर मेले में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का भी जमकर लुत्फ उठाया। मुख्य अतिथि विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज के समय में युवा नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है, जो प्रदेश के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए सभी का सहयोग अनिवार्य है। आज यहाँ पे जो यहाँ पे खेल कूद के आयोजन हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और साथ ही एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज हमारे समक्ष देश के अंदर है, जो नशे का है, आज सब लोग उसके लिए चिंतित हैं। आज जिस तरीके से चाहे चिट्टा है चाहे हीरोइन है, हम इसके ऊपर रोज जो है समय समय पर आंकड़े देखने को मिलते हैं। कभी कहीं अखबारों में देखने को मिल रहा है कि स्कूल के बच्चे जो है वो चिट्टे के ओवरडोज की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई। कभी देखने को मिल रहा है कि कहीं जो है 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम चिट्टा या हीरोइन जो है वो पकड़ा जा रहा है। हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि हमें युवाओं को इससे दूर करना है, और चाहे खेल है चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे प्रदेश की जो हमारी पहचान है उसको बनाकर रखना है, और मिलकर हमने भविष्य में जो पूर्व में जो काम हुए हैं, जो यहाँ की जो बुनियाद माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र में रखी है, उस पे एक भव्य इमारत आने वाले समय में बनानी है। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।